एक कत्ल करने वाला, एक सूद खाने वाला, एक नाहक कत्ल करने वाला। हमारी मेरे नबी की उम्मत है, किसी ने बताया, किसी ने मेहनत नहीं की। आखिरी हज का खुतबा आपने जो दिया, हर दफा यहां से बात शुरू की, तुम्हारे जान माल एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है, किसी पे हाथ न डाल। मेरे नबी ने कभी जबान से किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी जबान से किसी का नाम लेकर उसको रुस्वा नहीं। जबान की लगाई हुई आग है जो आज सारे भड़कते हुए देख रहे हैं। तो भाइयों, मोहब्बत से रहना सीखो, माफ करना दरगुजर करना सीखो, अपने अल्लाह के सामने झुकना सीखो। जब कौमें जवाल का शिकार होती हैं, कहती हैं ये फलां की साजिश है, जैसे आजकल कहते हैं मुसलमान, अमेरिका की साजिश है, जैसे यहूदियों की साजिश है, ये कराची के बैंकों में जो सूद पे पैसा पड़ा हुआ है ये अमेरिका की साजिश है, यहूदियों की साजिश है। जो रात को शराब चलती है और मुजरे होते हैं ये अमेरिका की साजिश है, यहूदियों की साजिश है। नौजवान औलादे मां बाप की नाफरमान है ये किसी दुश्मन की साजिश है। एक जगह था तो एक लड़की अपनी मां को कह रही थी बकवास मत करो, मां को कह रही थी बकवास मत करो, तो उसकी मां के आंसू ऐसे कर रहे थे, ये अमेरिका की साजिश। और मेरे नबी ने से पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी, आपने फरमाया अल्लाह को पता है कब आएगी, का कोई निशानी का जब मां को जलील किया जाएगा तो क़यामत आएगी। हमारे सवाल के असबाब बाहर से नहीं है, हमारे अंदर से। कितनी बड़ी लानत है झूठ। आपने फरमाया जब कोई झूठ बोलता है तो 3 मील तक उसकी बदबू से फरिश्ते भाग जाते, 3 मील तक फरिश्ते भाग जाते। तो फिर पाकिस्तान का कौन सा बाजार है जिसमें कोई रहमत का फरिश्ता आएगा? कि हर दुकानदार झूठ बोल रहा है, हर बड़ा छोटा ताजर झूठ बोल रहा है, हर सियासतदान झूठ बोल रहा है। हर से मुराद है 100 में 99, नहीं 1,99,999, कोई 1,00,000 में शायद एक कोई सच्चा मिल जाए। और जिस कौम में झूठ और जुल्म और ख्यानत फैल जाए वो कौम तबाह हो जाती, उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो अपने दुश्मन खुद है। जिसे नशा करने वाले का कोई दुश्मन है, वो अपनी जात का दुश्मन खुद है। तो हम औरों को इल्जाम न दें कि यहूदियों ने साजिश कर दी और ईसाइयों ने कर दी और अमेरिका ने कर दिया। स्पेन से, अभी स्पेन से आखिरी मुल्क था यूरोप के सफर में स्पेन, तो कदम कदम पे मैं रोया, कदम कदम पे मैं रोया कि किस तरह मुसलमान आपस की लड़ाई में खत्म होकर रह गए। कि पाकिस्तान स्पेन मेरे सामने यूं आते थे, यूं आते, स्पेन की तारीख पाकिस्तान के हालात, स्पेन की तारीख पाकिस्तान के हालात, स्पेन के मुसलमानों की आपस की लड़ाइयां पाकिस्तान के हालात, आपस में कत्लो गारत फिर पाकिस्तान के हालात। तो अल्लाह ताला ने इस तरह उनको मिटा दिया स्पेन से, एक कलमा पढ़ने वाला बाकी ना बचा। मस्जिद कुर्तुबा जैसा शाहकार बीच उसके गिरजा बना हुआ है, सलीमें लटकी हुई हैं, कुछ पड़े हुए हैं, नमाज खाना है, बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं वहां मेहराब के करीब जाके खड़ा हो गया और तसव्वुर में देखने लगा कि ये वो जगह है, तारीख से सबक न लेना भी पड़ा अंधेर पर, ये वो जगह है जहां यहया बिन यहया अंदलुसी के दर्स होते थे, अलामा कुर्दुबी की तफसीर चलती थी, इब्न अरबी के तसव्वुफ के निकात खोले जाते थे, इब्न हजम के फिकही मकालात सुनाए जाते थे, फकी इब्न मखलद जैसी शख्सियात यहां बैठ के कार अल्लाह कार कार रसूल कहते, नंगी औरतें फिर रही हैं, निकरें पहनी हुई, वो तो एक उनके लिए तफरी की जगह बनी। मैं तो
आंखों से भी रो रहा था और दिल से भी रो रहा था, और ज्यादा रोना इस पे आ रहा था कि अपना मुल्क देख रहा था कि आज मेरे मुल्क के लोगों को होश नहीं है, वो क्या करने है। दीन पे नफरत, फिरकावारियत की नफरत, सियासत की नफरत, कौम की नफरत, सूबों की नफरत, शहरों की नफरत, जुबान की नफरत, कौन कौन सा जख्म है जो इस जिस्म पे नहीं लगा हुआ, कौन कौन से जहरीले तीर हैं जो इस पर नहीं चलाए। ऐसे ही खड़ा फिर वह मेहराब के पास जाके खड़ा हो गया। तो 700 साल पुरानी कुरान की आयात अभी उसी तरह लिखी हुई। तो मैंने कहा या अल्लाह, मैं ये नमाज तो कोई नहीं होगी, किसी के नजदीक भी ऐसी नमाज नमाज नहीं है, पर तू जानता है कि मैं चाहता हूं मैं इस अरे मेरे भाइयों, आपस की नफरतें मिटा दो अल्लाह के वास्ते, अपनी जान के दुश्मन न बनो, माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, फिर बावारियत की बातें करना छोड़ो, तकरीरें सुनना छोड़ो। तारीख मेरी कमजोरी रही है, मैं बचपन से तारीख पढ़ता रहा हूं, ये तबलीग में लगने से पहले शौक था तारीख पढ़ना, तारीख पढ़ना, जब तबलीग में लगे तो मदरसे में आ गया तो और पढ़ने का लग गया।